Hello friends, our GATE syllabus is completed. Only one topic is left, it is reliability and failure analysis. It is only in ESE, so if you are aspirant of GATE, then you can skip it. The reliability and failure analysis, this topic is also in our ESE paper 1, means ESE GS 1 paper syllabus. So it is important for both technical and non-tech part both. So we are going to start it. So first let me put the heading reliability and failure analysis. तो reliability हमारा काफी important है दोनों paper के हिसाब से. तो पहले समझते रिलायबिलिटी होता क्या है. रिलायबिलिटी का मतलब क्या, भरोसा. मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया मार्केट से, तो उस प्रोडक्ट के साथ आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी. कोई भी प्रोडक्ट एज्यूम कर लीजिए आप, जैसे आपने कोई स्मार्टफोन लिया, तो स्मार्टफोन आपने जो परचेस किया है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन कुछ टाइम तक अच्छा परफॉर्म करे. अब हमेशा तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, कुछ टाइम बाद इसकी बैटरी खराब हो जाएगी, कुछ टाइम बाद ये हैंग करने लगेगा. सो लेकिन हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ टाइम तक पूरे फंक्शन उसमें सही से काम करें. तो देखिए, आपने स्मार्टफोन परचेस किया है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा. आप क्या चाहते हैं कि आपका जो स्मार्टफोन है कुछ टाइम तक रहे. तो इसमें पहली चीज एक आती है टाइम, कुछ टाइम तक ये सही से परफॉर्म करता रहे. दूसरी चीज़ आती है कि सही से परफॉर्म कर तो रहा है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं. अब मान लीजिए अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया, तो अगर आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो पहले वो यही पूछेंगे कि कहीं ये पानी वगैरह में तो नहीं गिरा. तो हमारी दूसरी चीज़ होती है एनवायरमेंटल कंडीशंस. इसमें यह चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि अगर आप उसको दूसरे किसी एनवायरनमेंट में यूज करेंगे जो जिसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो एनवायरनमेंटल कंडीशंस भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है रिलायबिलिटी चेक करने के लिए. ये तो स्मार्टफोन की बात हो गई. अगर कोई और प्रोडक्ट है जो जिसका ज़्यादा टेम्परेचर में काम नहीं कर पाता, तो अगर आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर में रख रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस गिर जाएगा. जैसे अगर आपका लैपटॉप है, लैपटॉप को क्या चाहिए कि जो भी उसकी हीट है वो प्रॉपरली निकलती रहे. तो अगर उसकी हीट नहीं निकल पा रही है तो बार बार हैंग करेगा या फिर काम करना बंद कर देगा. तो एनवायरमेंटल कंडीशन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है. थर्ड हमारा होता है फंक्शन. अब जैसे ये हो सकता है कि जो भी कुछ फंक्शंस हैं, हमको हमारे जो डीआर फंक्शन है उनमें से कुछ फंक्शन काम करना बंद कर दे, लेकिन कुछ काम करते रहे, तो ये भी एक तरह से रिलायबिलिटी के ऑप्शन में आएगा. तो हम इसमें होगा क्या, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन करता रहे एक एनवायरमेंटल कंडीशन में फॉर सर्टेन टाइम. तो ये तीन चीज़ आती हैं. अब इन तीन चीज़ में एक और चीज़ आ जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कहाँ से आ गई, अब ये चीज़ सही से काम कर रही है, मींस हमारा जो प्रोडक्ट है सही से फंक्शन कर रहा है गिवन एनवायरनमेंट कंडीशंस में सर्टेन टाइम के लिए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी है. तो प्रोबेबिलिटी हमारे रिलायबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ही होगी. तो रिलायबिलिटी आप समझ गए होंगे. अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोडक्ट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन. तो रिलायबिलिटी को हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा क्या, फेलियर. अभी हम अपने टाइटल की बात ही कर रहे हैं. फेलियर क्या है, ये तो आपको पता है फेलियर क्या है. जो भी हमारा प्रोडक्ट है अगर वो इनमें से किसी भी चीज़ पे फेल हो जाता है. कि फेल कैसे, अगर हमको अगर हमने याद करिए स्मार्टफोन लिया था, तो अगर हमको शॉपकीपर ने बोला था कि हमारा जो स्मार्टफोन है वो 3 साल तक सही से काम करेगा,
तो अगर 3 साल के पहले ये ख़राब हो जाता है, ये 1 साल में हमारा कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये रिलायबल नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर उसने जैसे बोला था एनवायरनमेंट कंडीशन हम वैसे ही रख रहे हैं, तो सेम एनवायरनमेंट कंडीशन में भी हमारा वो काम नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा दूसरा फेलियर हो गया। अब इसको समझिए कैसे, जैसे कि आपका जो फ़ोन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बैटरी की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपका जो टेम्परेचर है उसको सही से नहीं वर्क पर सही उस टेम्परेचर में सही से वर्क नहीं कर पा रहा। तीसरी चीज़ हो गई हमारी फंक्शन, इसके कुछ फंक्शन सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे एक तरह से फेलियर ही हैं। तो फेलियर हमारा जो भी हमारा प्रोडक्ट है अगर वो गिवन टाइम तक सही से परफॉर्म नहीं कर रहा तो एक तरह से फेलियर होगा। अब अगर हम फेलियर की बात कर रहे हैं तो फेलियर हमारा कई तरह से हो सकता है। पहला जो हमारा होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है पूरी तरह से इमऑपरेबल हो जाता है। इमऑपरेबल मतलब हम उसका यूज नहीं कर सकते, किसी भी हालत पे हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, तो ये इनऑपरेबल हो जाता है पहली चीज। दूसरी चीज, ये ऑपरेबल तो है, मीन्स इसको हम ऑपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन जो इसका फंक्शन है फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा, जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था इससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारी, मीन्स उस एक्सपेक्टेशन से ये हमारा काम अभी नहीं कर रहा है, तो दूसरा फेलियर ये हो जाता है। तीसरा होता है, ये ऑपरेट तो कर रहा है, इसके सारे फंक्शन भी सही हैं, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ऑपरेट तो कर रहा है लेकिन इसको हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं, तो नो लॉन्गर यूज। अगर हमने यूज फिर भी किया तो ये हमको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की बात करें, हमने स्मार्टफोन लिया था, तो अगर अब कभी कभार क्या होता है, जो हमारी बैटरी होती है काफ़ी हीट करने लग जाती है कभी कभार, तो ठीक है आप ऑपरेट तो कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी हमारी लॉस्ट हो जाए, तो वो हमारी थर्ड कंडीशन हो जाएगी। तो फेलियर हमारा 3 तरह से हो सकता है, एक तो फुली इनऑपरेबल हो जाए, कोई काम ही ना करे, दूसरा ऑपरेट हो सकते हैं लेकिन फंक्शन सही से काम ना करें, थर्ड हमारा ऑपरेशन हो जाए फंक्शन भी काम करे लेकिन उसका जो अगर हम लॉन्गर पीरियड तक उसको यूज करेंगे तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये फेलियर हो गया हमारा। अगर हम बात करें जो हमारे फेलियर है ये आते क्यों हैं, तो फेलियर हमारे कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे अगर उसकी डिज़ाइनिंग सही से नहीं की गई है, हो सकता है कि कुछ वहाँ पे कोई कंपोनेंट छोड़ गया हो, जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिज़ाइनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी हो सकती है एनवायरनमेंट कंडीशन की, अब जिस एनवायरनमेंट कंडीशन के लिए वो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया हो आप उसको उसमें यूज कर ही नहीं रहे हैं, आप किसी और एनवायरनमेंट कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो दूसरा हमारा ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है हमारा लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिसका ऑपरेशन करना आपको नहीं आता, तो आपने स्टार्टिंग में उसको ऑपरेट करना सीखा और ख़राब हो गया। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ह्यूमन एरर हो सकती है इसमें, तो ये सारे हमारे काजेस होते हैं फेलियर के। इसमें कोई इशू नहीं है, आप खुद से ही बता सकते हैं क्या काज हो सकते हैं फेलियर के। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेलियर के। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट types of failure. There are 4 types of failure we can see. So the first one is catastrophic failure. Catastrophic failure, ये क्या होता है, जब भी हमारा product है हम उसका use कर रहे हैं उसमें अचानक से breakdown हो जाना, उसको बोलते हैं catastrophic failure. आपने इसको देखा होगा machine design में देखा होगा, catastrophic failure ये वो आता है यहाँ पे। आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसको देखा होगा, 2 तरह के फेलियर आपने देखे होंगे, एक कैटास्ट्रॉफिक होता है और एक ग्रेजुअल फेलियर। तो कैटास्ट्रॉफिक में हम जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें ऑपरेट कर रहे हैं, उसका यूज हम कर रहे हैं, उसमें अचानक से कोई फेलियर आ जाए, उसको कैटास्ट्रॉफिक फेलियर बोलते हैं। इसमें हमको कोई साइन नहीं मिलता कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनऑपरेबल होने वाला है, इसमें ये हमारा बहुत टाइम तक ऑपरेट नहीं कर पाएगा, कोई साइन हमारे पास नहीं होता। जैसे कि आपका जो ब्रिटल फ्रैक्चर होता है, तो ब्रिटल फ्रैक्चर जो होता है उसमें आपको पता नहीं चलता, कोई साइन उसमें नहीं आता, आपका प्रोडक्ट आपका जैसे उसमें क्या था, जो आपकी बीम थी उसमें अचानक से फ्रैक्चर आ जाता है, तो इसको कैटास्ट्रॉफिक फेलियर बोलते हैं। दूसरा जो होता है हमारा डिग्रेडेशन। देखिए लैंग्वेज अलग है, चीज़ें वही हैं, डिग्रेडेशन या इसको क्रीप,
फेलियर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो भी आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था, ग्रेजुअल फेलियर मीन्स हमको एक साइन मिलता है कि हमारा प्रोडक्ट फेल होने वाला है। तो यही है डिग्रेडेशन, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें धीरे धीरे डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है, कुछ टाइम बाद वो फेल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन या क्रीप फेलियर। तो वही है हमारा सोम वाला ही है, ये जो हमारा फेलियर है ये कुछ अच्छा होता है इससे, क्यों, क्योंकि इस पर तो हमको पता नहीं चलता लेकिन इस पर पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट फेल होने वाला है। थर्ड बात करें तो थर्ड होता है हमारा डिपेंडेंट फेलियर। देखिए अभी इसका इन दोनों से रिलेशन नहीं है, ये अलग ही कैटेगरी है। डिपेंडेशन फेलियर ये क्या होता है हमारा, ये जो फेलियर होता है ये किसी दूसरे फेलियर पे डिपेंड करता है। जैसे मान लें अगर दो चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में, अगर उनमें से पहली चीज़ फेल हुई तो दूसरी भी फेल हो जाएगी, तो इसको डिपेंडेशन फेलियर बोलते हैं। इसका फेलियर मेनली इसी रीजन से होता है कि जो जिस पे ये डिपेंडेंट है वो फेल हो जाए, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट फेलियर। फोर्थ एंड लास्ट होता है हमारा इंडिपेंडेशन फेलियर। ये क्या होता है, ये प्राइमरी फेलियर होता है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद ही फेल हो सकता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेशन फेलियर बोलते हैं। और ये जो होता है ये किसी दूसरे फेलियर पे डिपेंड करता है, जैसे प्राइमरी फेलियर पे। तो ये हमारी चार कैटेगरी हो गई। इन दोनों को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आरएसी में आपने पढ़ा होगा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो ये कैटेगरी है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ये कैटेगरी है। तो चार टाइप्स हो गए। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फेजेज ऑफ फेलियर, इसको हम बाथ टब कर्व भी बोलते हैं। तो देखें इसको, ये हमारा ईएससी प्री के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। आपका बाथ टब आता है, पेपर में आता है, जीएस पेपर वन में आता है। सो देखें इसको, जो हमारा वाई एक्सिस होता है इसमें हम क्या लेते हैं, फेलियर रेट, फेलियर रेट किस रेट से फेलियर हो रहा है। जो एक्स एक्सिस में होता है हमारा क्या, टाइम। टाइम से याद आया, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है एमटेक की जो फीस हाइक हुई है, तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप अपने जो आपका काम है वो करें। अगर होना है तो होगा, उसमें आप रोक तो सकते नहीं कि आप सोशल मीडिया में इसको ट्रेंड करेंगे तो रुक जाएगा। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, यू हैव टू अचीव अ गुड रैंक। अगर आपकी गुड रैंक आ गई तो आपको क्या करना है, आप सीधे पीएससी उठाइए, आप पीएससी की तैयारी करिए, तो कोई इसमें बात नहीं है। आप अगर एमटेक की फीस के बारे में बात ही कर लेंगे तो क्या होगा, सो उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। तो देखिए यहाँ पे फेलियर रेट हमारा वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे। अब जो हमारा फेलियर होगा, तो अब होता क्या है, हमने जो नया प्रोडक्ट लिया उसमें फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है कोई डिजाइन डिफेक्ट हो। देखिए हम यहाँ पे उन प्रोडक्ट की केवल बात कर रहे हैं जिसमें फेलियर हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहे जिसमें फेलियर नहीं हुए हैं। तो हो सकता है डिजाइन डिफेक्ट हो, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो पहले ही फेल हो गया हो, वो यहाँ पे फेल हो गया हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका टाइम निकलते जाएगा वो फेलियर हमारा कम होते जाएगा, और कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये हमारा बिल्कुल फेल ना होगा, हमारा सही से काम करेगा कुछ टाइम तक। उसके बाद क्या होगा, जब कुछ ड्यूरेशन हो जाएगा उसके बाद फिर से इसमें फेलियर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फिर से ज़्यादा रेट से बढ़ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना है इसको हम बोलते हैं बाथ टब कर्व। याद रखिए इसको, स्टार्टिंग में हमारा फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, धीरे धीरे ये कम होते जाता है और एक स्टेज से पहुँच के ये रुक जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, एंड किसी एक पॉइंट के बाद ये अचानक से फिर बढ़ जाता है। तो जो हमारी ये पहली स्टेज है, देखिए यहाँ पे तीन स्टेज हुई हमारे साथ, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ये फर्स्ट वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, अर्ली फेलियर। समझ गए होंगे आप क्यों बोलेंगे इसको अर्ली फेलियर, क्योंकि पहले हो रहा है।
जो दूसरी स्टेज होती है इसको क्या बोलते हैं हम, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर। जो थर्ड होता है हमारा इसको बोलते हैं वियर आउट फेलियर। तो तीन स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की, अर्ली फेलियर, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, वियर आउट फेलियर। देखिए आपने जब नया प्रोडक्ट लिया तो आपको कुछ महीने की वारंटी मिलती है, जैसे आपने फ़ोन लिया था तो आपको 6 महीने की वारंटी मिली, तो वो 6 महीने की जो वारंटी मिलती है आपको वो अर्ली फेलियर की मिलती है। अर्ली फेलियर मीन्स जो उन्होंने मोबाइल बनाया है उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो वो उसकी वारंटी मिलती है। तो अर्ली फेलियर ये जो हमारा है, वारंटी जो हमारी मिलती है, तो अर्ली फेलियर हो गया। नेक्स्ट जो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होता है, ये हमारा यूजफुल लाइफ होता है, इसको हम यूजफुल लाइफ बोलते हैं। यूजफुल लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम प्रोडक्ट का यूज करते हैं इसी स्टेट में करते हैं, मैक्सिमम यूज हमारा यही होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो ये था हमको डर था कि हमारा जो प्रोडक्ट है ख़राब ना हो जाए। ख़राब क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें हो सकता कोई डिजाइन डिफेक्ट हो। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक यूजफुल लाइफ होती है, यहाँ तक हम आराम से काम करते हैं। यहाँ पे जो फेलियर होता है कैटास्ट्रॉफिक होता है, कैटास्ट्रॉफिक जो हमने अभी पढ़ा था वही है, अचानक से फेल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज जो होती है वियर आउट फेलियर, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिग्रेडेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये बढ़ता ही जाएगा, यहाँ पे किसी भी टाइम पे हमारा प्रोडक्ट फेल हो सकता है। तो याद रखेंगे ये हमारा बाथटब कर्व है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये बाथटब कर्व है एक प्रोडक्ट के लिए है या फिर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए होता है। क्यों, क्योंकि अब अगर हम एक प्रोडक्ट के लिए बात करें तो एक प्रोडक्ट तो हमारा यही भी फेल हो गया, तो बस यहाँ पे हमारा ग्राफ ख़त्म हो जाता है, लेकिन एंड तक जाता। तो ये कई सारे प्रोडक्ट के लिए है, कई सारे प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसकी कई सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। प्रोडक्ट एक ही है हमारा लेकिन कई सारी क्वांटिटीज के लिए है। तो ये हमारा बाथटब कर्व है। सो नेक्स्ट हम कुछ टर्म देखेंगे जिनका यूज हम आगे करेंगे। तो जो हमारा पहला टर्म है क्या है, फेलियर रेट। फेलियर रेट इसको हम लेंडर से दिखाते हैं। तो फेलियर रेट की बात करें तो सिंपल सा है, ये हमारा जो फेलियर होते हैं किसी प्रोडक्ट में, तो एक यूनिट टाइम में जितने भी फेलियर होते हैं उसको फेलियर रेट बोलते हैं। अगर मान लें कि कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, उसकी अगर बात करें तो उसमें 10 घंटे में 500 फेलियर होते हैं, तो 500 × 10 वो हमारा रेट हो जाएगा। तो फेलियर रेट क्या हुआ, फेलियर नंबर ऑफ फेलियर्स पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं फेलियर रेट। इसको मैं लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ फेलियर्स पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं हम फेलियर रेट। तो इसको जनरली हम दिखाते हैं आवर्स में दिखाते हैं, जैसे 100 आवर्स में दिखाते हैं या फिर 1000 आवर्स में दिखाते हैं। अगर 100 आवर्स में 10 फेलियर्स हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, फेलियर रेट कितना है 10। अगर उसके लिए हमारा अगर प्रोडक्ट के लिए हमारा 100 डिफाइन है, अगर किसी प्रोडक्ट के लिए 1000 में हम फेलियर रेट डिफाइन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, 10 फेलियर पर 1000 आवर। तो ये हमारा फेलियर रेट हो गया, लैम्डा से दिखाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो होता है हमारा मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब मीन टाइम बिटवीन फेलियर ये क्या होता है, इसको साथ में MTBF भी लिखते हैं। मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ये इसका जो नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, यही सजेस्ट कर रहा है कि दो फेलियर के बीच में कितना टाइम है। मीन्स अगर फेलियर ये है, एक फेलियर ये है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब ये होता क्या है, देखिए फेलियर रेट क्या था हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो नंबर ऑफ फेलियर अपॉन टाइम, तो ये जस्ट मीन टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर। तो ये होता हमारा मेन टाइम बिटवीन फेलियर, ये 1/λ के इक्वल होता है।
हर जो होता है हमारा मेन टाइम टू फेलियर, अब दो चीज़ें हैं मेन टाइम बिटवीन फेलियर मेन टाइम टू फेलियर, तो यहाँ पे क्या लग सकते हैं, यहाँ पे बिटवीन लगा मीन्स एक ही प्लॉट में एक से ज़्यादा फेलियर हो रहे हैं, सो मेन टाइम टू फेलियर, तो यहाँ पे फेलियर एक ही बार होता है, फेलियर हुआ मतलब प्रोडक्ट हमारा ख़राब वो स्क्रैप बन गया, तो ये जो हमारा पहला टर्म है दो फेलियर के बीच का टाइम होता है, तो यहाँ पे हो क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो फेल हुआ, हमने उसको रिपेयर किया, हम उसको फिर से यूज में कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है इसको लिखते हैं क्या MTTF, इसमें हमारा प्रोडक्ट एक बार फेल हुआ उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा मीन टाइम टू फेलियर हुआ। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास फेलियर होते हैं किसी प्रोडक्ट के, जैसे F1 है F2 है F3 है, तो तीन फेलियर हैं, तीन प्रोडक्ट हमने लिए थे तीनों के तीन फेलियर है ये हैं, तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हमारा मेन टाइम टू फेलियर आ जाएगा। तो ये तीन टर्म थे हमारे, इनका यूज हम आगे करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलायबिलिटी फंक्शन के बारे में, तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं रिलायबिलिटी फंक्शन। अब ये होता क्या है रिलायबिलिटी फंक्शन हमारा, ये हमको शो करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ टाइम टी के बाद भी सही से काम करते रहेगा। रिलायबिलिटी फंक्शन क्या होता है, रिलायबिलिटी फंक्शन हमारा प्रोबेबिलिटी, हमारी प्रोबेबिलिटी होती है जो शो करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी भी टाइम टी के बाद भी रिलायबल रहेगा। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोडक्ट विल फंक्शन ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टी टाइम के बाद रिलायबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर हम इसको लिखाना तो कैसे लिखा सकते हैं, RT इक्वल टू प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन टी। अब यहाँ पे टी क्या है, जो हमने टाइम की बात की थी कि टाइम टी के बाद भी हमारा प्रोडक्ट रिलायबल रहेगा, और जो हमारा जो कैपिटल टी है ये हमारा टाइम टू फेलियर है, मीन्स इस टाइम पे हमारा फेलियर हो जाता है। तो रिलायबिलिटी फंक्शन हुआ प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोडक्ट विल फंक्शन ओवर टाइम पीरियड टी, सो हेयर टी इज द टाइम टू फेलियर, ये हमारा रिलायबिलिटी फंक्शन होता है। अगर हम इसको ग्राफ से दिखाएं तो ग्राफ हमारा कैसे बन सकता है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा टाइम है। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये हमारा जब जीरो टाइम है, जब हमने प्रोडक्ट को परचेस भी नहीं किया है, कोई हमने परचेस तो कर लिया लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया है, तो उस टाइम पे हमारी लायबिलिटी कितनी होगी, पूरी होगी। अगर ये 1 है तो 100% होगी, और काफ़ी टाइम बाद इनफाइनाइट टाइम में हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये इनफाइनाइट टाइम में हमारी जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ कुछ यूँ आएगा, ये हमारा इनफाइनाइट में जाके जीरो हो जाएगा, तो ये 1 कब होगी, जो हमारा टाइम जीरो होगा और इनफाइनाइट में हमारी रिलायबिलिटी है जीरो हो जाएगी। तो अगर इसको हमको लिखना है तो एट टी इक्वल टू जीरो RT इक्वल टू 1 एंड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट RT इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेलियर फंक्शन के बारे में, फेलियर फंक्शन इसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। इसको दिखाते हैं क्या हम FT से, ये एक्चुअल में क्या होता है हमारा 1 RT होता है, ये हमारा क्या दिखाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो टाइम टी के पहले ही फेल हो जाएगा। ये जो हमारा होता है रिलायबिलिटी फंक्शन, ये क्या बोलता है कि हमारा ये टी टाइम के बाद भी काम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, और फेलियर फंक्शन ये कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टाइम टी के पहले फेल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 RT। तो अगर हम इसकी बात करें
तो अगर हम टाइम टी पे देखें, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे देखें, तो फेलियर फंक्शन क्या होगा, हमने यूज ही नहीं किया, तो फेलियर फंक्शन हमारा जीरो रहेगा। अगर हम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखें तो हमारा फेलियर रेट क्या हो जाएगा, फेलियर फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, ये वन होगा, क्योंकि हम ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो ये वन हो जाएगा। देखिए इनफाइनाइट टाइम पे हमारा फेलियर पक्का हो ही गया होगा, तो ये वन, देखिए यहाँ पर रिलायबिलिटी भी जीरो हो जाती है, ये वन हो जाता है, और टी इक्वल टू जीरो पे फेलियर हमारा नहीं हुआ होगा, तो ये जीरो है। तो ये हमारे कुछ दो चीज़ें हैं, इनको यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे अगर। तो एक चीज़ और, हमने जैसे इसको यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया, यहाँ भी कर देते हैं, तो एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम टी लेस देन टी, तो ये होती है हमारी फेलियर रेट प्रोबेबिलिटी। अब इसको हमको ग्राफ में अगर दिखाना है, तो देखिए टी इक्वल टू जीरो पे हमारा एफ फेलियर जीरो, ये जीरो है, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे हमारा एफ वन है, ये वन कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये इनफाइनाइट अगर मान लेते हैं तो ये हमारा कुछ यूं जाएगा। तो ये हमारे दो ग्राफ हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। तो अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अब ये क्या होता है, अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो ये सब आपको पता होगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होता क्या है, जो भी हमारा फेलियर होता है प्रोडक्ट का, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से प्लॉट कर देते हैं ग्राफिकल मेथड में। तो इसका जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, तो ये कुछ देखिए यूँ बनता है, ये करीब हमारा यूँ बनता है, यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ऑब्वियसली, और यहाँ पे टाइम। तो ये जो हमारा मेन प्रोबेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है वो टी होता है, ये ग्राफ होता है हमारा फेलियर का होता है। सो अगर हम इस फंक्शन की हेल्प से बात करें अपनी रिलायबिलिटी की, रिलायबिलिटी ये क्या होती है हमारी, फ्रॉम टी टू इनफाइनाइट, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारा एफ टी है इंटू डी टी, ये होता है हमारा रिलायबिलिटी। अगर बात करें हम फेलियर फंक्शन की, तो ये क्या होता है हमारा, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ टी डी टी, एफ टी यहाँ पे क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो देखें जैसे हमने बात की थी कि रिलायबिलिटी फंक्शन क्या होता है, टाइम टी के बाद भी हमारा प्रोडक्ट रिलायबल है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो टी के बाद हमने ले रखा है। और फेलियर फंक्शन क्या होता था कि हमारा जो प्रोडक्ट है टी टाइम के पहले फेल हो जाएगा, तो टी टाइम के पहले देखिए फेल हो रहा है, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये दोनों चीज़ों को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसका यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अगर हम बात करें एफ टी निकालने की, तो एफ टी हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी टी एफ टी। अब देखिए ये एफ टी क्या था, वन माइनस आर टी, वन माइनस आर टी हमने अभी पीछे देखा था, तो ये हो जाएगा क्या, डी बाई डी टी आर टी माइनस आर टी आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आर टी, तो ये हमारा एक ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए, तो तीन हमारे ये फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला हमने क्या अभी अभी पढ़ा था, क्या एफ टी इक्वल टू वन माइनस आर टी, चौथा फॉर्मूला हमारा ये था। एक फॉर्मूला और होता है हमारा क्या, लेमडा इक्वल टू एफ टी बाई आर टी, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है पांचवा। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, एम टी टी एफ जो होता है, ये होता है जीरो टू इनफाइनाइट आर टी डी टी, ये हमारा एम टी टी एफ मीन टाइम टू फेलियर का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे छह फॉर्मूले हैं, इन छह फॉर्मूले का यूज हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब अगर कोई पूछे एम टी बी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, वन बाई लेमडा, इसको क्या लिख सकते हैं, आर टी बाई एफ टी। तो इसमें कोई इशू नहीं है, एम टी बी एफ लेमडा आपस में रिलेटिव रिलेशन होता है इनमें,
हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं MTTDF का फॉर्मूला 0 टू R रिलायबिलिटी जो फंक्शन होता है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। रिलायबिलिटी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे T टू इनफाइनाइट। फेलियर फंक्शन निकालना हो माइनस इनफाइनाइट से T तक करेंगे। सो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए। सो नेक्स्ट हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखिए हमको यहाँ पे रिलायबिलिटी फंक्शन दे रखा है, ये दे रखा है 0 टू T नॉट तक ये होगा और T नॉट से ग्रेटर देन में ये होगा। हमको निकालना क्या है, फेलियर रेट पहली चीज निकालनी है। फेलियर रेट मीन्स लैम्डा निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला आपको पता है FT/RT। सो फेलियर रेट आराम से आ जाएगा। फिर पूछा है डच लैम्डा इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, तो इसमें लैम्डा हमको निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे उसमें हम वैल्यू रख रख के देख लेंगे। जैसे अगर हम एक वैल्यू रखें 1 रखें एक वैल्यू 10 रखें तो टाइम हम बढ़ा रहे हैं, तो अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या होगा इंक्रीज होगा, अगर घटती है तो डिक्रीज होगा। वही सुने थर्ड MTTF मीन टाइम टू फेलियर निकालना है। इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट RT/dt। सो तीनों पार्ट काफ़ी ईजी हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं, RT पता है हमको क्या निकालते हैं FT। FT क्या होता है हमारा माइनस D/dt RT। इसका हमको कुल मिला के डिफ्रेंसिएशन कर देना है, तो कर देते हैं। एक तो देखिए जीरो हो जाएगा, कोई इशू नहीं इसमें, हम नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट जो होगा D/dt RT की वैल्यू 1 माइनस T/t0 square। ये इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस माइनस प्लस, इसका डिफ्रेंसिएशन 2T/t0। ये तो हुआ हमारा इसका, और इसका फिर से होगा तो 1/t0। सो ये हमारा FT आ गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना था, क्या लेमडा, तो लेमडा क्या होता है हमारा FT/RT। FT क्या है हमारा ये 2T/t0 square। RT क्या है ये 1-T/t0 square। सो ये हमारी लेमडा की वैल्यू हो गई, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, करेंगे तो बहुत लफड़ा है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि करना कैसे है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको पूछा है डच इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, तो ये जो हमारा लेमडा है टाइम के साथ बढ़ता है कि घटता है ये हमको बताना है। तो फर्स्ट केस पे क्या रखेंगे हम, लेमडा इक्वल टू 0, सॉरी लेमडा के फर्स्ट केस पे हम रखेंगे क्या T=0। जब T=0 है लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 रखें 0 20 आएगा, ये 0 स्क्वायर तो 0 बनेगा 1-0, तो ये हमारा 0 ही आएगा। दूसरा T=2 क्या रख दें हम, T0 रख देते हैं, तो T=2 हमने T0 रख दिया, तो अब क्या होगा ये क्या बन जाएगा T0 बनेगा, तो ये 2T0/t0 square अपॉन ये T0 से T0 कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चा 1-1 मीन्स ये 0, जहाँ जो डिनोमिनेटर है ये 0 हो जाएगा, तो बाय 0, तो किसी भी टाइम में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाना है इनफाइनाइट। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो लेमडा की वैल्यू है इंक्रीज हो रही है, तो हमारा सेकेंड आंसर क्या होगा इंक्रीज। थर्ड पूछा हमसे क्या MTTF। अब MTTF क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट RT/dt, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 0 टू इनफाइनाइट 1-T/t0 square। अब देखें यहाँ पे ये इनफाइनाइट तक जाना, लेकिन ये वैल्यू कब तक वैलिड है 0 टू T0 तक, तो ये हमारा T0 यहाँ पे आ जाएगा, और T0 से इनफाइनाइट तक वैल्यू 0 है, तो ये प्लस T0 × इनफाइनाइट ये 0 dt, यहाँ पे dt भी आएगा, तो ये 0 हो जाना है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी माइनस टी नॉट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका टी बाई टी नॉट क्यूब, टी बाई टी नॉट क्यूब अपॉन थ्री इंटू टी नॉट स्क्वायर, ये कुछ यूँ आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इसकी, इसको आप वही आपका आंसर होगा। तो इसमें कोई आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो पूछा था आपको बस फॉर्मूले अप्लाई कर देना है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है एफटी, हमसे पहली चीज आरटी पूछा है, तो आरटी कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे टी टू इनफाइनाइट तक, तो हमारा आरटी आ जाएगा। नेक्स्ट निकालना हमको एमटीटीएफ, तो एमटीटीएफ कैसे निकालते हैं, आरटी का इंटीग्रेशन कर देते हैं जीरो टू इनफाइनाइट तक, तो उससे एमटीटीएफ आ जाता है। तीसरा मीडियन टाइम टू फेलियर, अब मीडियन टाइम टू फेलियर मीन्स जो हमारा फेलियर होता है उसमें प्रोबेबिलिटी 0.5 कब होगी, वही होगा मीन्स आधी प्रोबेबिलिटी, मीन्स टी जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें टी की वैल्यू, तो हम आरटी इक्वल टू 0.5 रख देंगे, तो इससे हमारा मीडियन टाइम आ जाएगा। करते हैं इसको, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलायबिलिटी फंक्शन से। तो हम जानते हैं आर टी क्या होता है, टी टू इनफाइनाइट एफ टी डी टी, वैल्यू पुट कर देते हैं टी टू इनफाइनाइट 0.002 ई पावर माइनस 0.002 टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा 0.002, ये तो रहा आएगा इसका, ये माइनस में आएगा, तो माइनस हम ये ई 0.002 टी अपॉन माइनस 0.002, ये इसका इंटीग्रेशन आया। अब इसको हमको क्या करना है टी टू इनफाइनाइट, तो ये इससे ये गया, वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस 0.002 इंटू टी की वैल्यू, इनफाइनाइट पुट करना है इनफाइनाइट माइनस इट पावर माइनस 0.002 टी, ये सारा माइनस में है। अब ये इट पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, इट पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है हमारा जीरो, तो ये जीरो माइनस इतना, तो टोटल हमारा जो आर टी है क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 8 पावर माइनस 0.002 टी, ये हमारा आ गया क्या आर टी की वैल्यू। नेक्स्ट हमको क्या निकालना था, सेकंड मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम टू फेलियर एम टी टी एफ, ये क्या होता है 0 to infinite आर टी डी टी, 0 to infinite आर टी की वैल्यू ये इतनी है 8 पावर माइनस 0.002 टी डी टी, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको क्या जाएगा 8 पावर माइनस 0.002 टी बाई माइनस 0.002 जीरो टू इनफाइनाइट। तो देखिए फिर से इनफाइनाइट पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, करके देख लेते हैं एक बार, 8 पावर माइनस 0.002 इंटू इनफाइनाइट माइनस 8 पावर माइनस 0.002 इंटू जीरो, ये और हमारा क्या था माइनस 1 अपॉन 0.002, तो देखें ये तो हमारा जीरो हो जाना है, अब ये जीरो हो जाएगा तो 8 पावर 0 1 बनेगा, तो टोटल कितना आएगा माइनस 1, तो माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जाएगा 1 बाई 0.002, तो ये कितना जाएगा हमारा 5 0, इतना हमारा टाइम की जो यूनिट दी होगी, जो भी ये टाइम की यूनिट होगी जितना भी मान ले आर्स में है तो आर्स में आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड हो गया,
थर्ड की बात करें मीडियन टाइम टू फेलियर, तो जैसे मैंने बताया मीडियन टाइम टू फेलियर क्या होगा, आर टी की वैल्यू 0.5, तो 0.5 इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू क्या है हमारी है 8^-0002 t। क्या करें इसका रिवर्स कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 8^0002 t इक्वल टू 2। अब क्या करें लॉग ले लें, लॉग कौन सा लेना है ln वाला, ये क्या बनेगा ln e, तो ये 0.002 t ये ln 2। अब ln 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ln 2 अपॉन 0.002, ये जो टाइम आएगा वही हमारा मेन टाइम टू मीडियन टाइम टू फेलियर होगा। तो तीन पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है दोनों पेपर में, GS1 और टेक्निकल पेपर में। तो बात करें हम सिस्टम रिलायबिलिटी के बारे में, सिस्टम रिलायबिलिटी, तो इसमें पहला केस जो हमारा है, इसमें अगर हमारे कंपोनेंट सीरीज में है, तो इसको क्या लिखें, फर्स्ट केस कंपोनेंट इन सीरीज, इस केस में क्या होगा, देखिए ये हमारे कुछ कंपोनेंट हैं, ये सीरीज में है, अगर इसकी रिलायबिलिटी R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है, तो जो हमारी रिजल्टेंट रिलायबिलिटी होगी R, वो क्या होगी इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, मीन्स R1 इंटू R2 इंटू R3 के इक्वल होगी, अगर जितने कंपोनेंट होंगे हम सारी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रिलायबिलिटी हमारी आ जाएगी, ठीक है। और अब इसमें कभी कभार ये पूछता है कि जो टोटल रिलायबिलिटी है तो किसी भी कंपोनेंट की सिंगल रिलायबिलिटी से ज़्यादा होगी या कम होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए रिलायबिलिटी एक तरह से प्रोबेबिलिटी है, तो ये जैसे मान लें अगर 0.8 है 0.9, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो 0.1 है 0.2 है 0.3 है, तो अगर हम पॉइंट की किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा उससे कम ही आएगी, तो मतलब क्या निकला, जो हमारी टोटल रिलायबिलिटी आर होती है वो किसी भी रिलायबिलिटी जो होती है सिस्टम की आर आई उससे कम ही होगी, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड चाहे थर्ड। तो ये हमारा है एक, अगर सीरीज में कंपोनेंट है तो सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा केस हमारा बनता है कंपोनेंट्स इन पैरेलल, अगर कंपोनेंट पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा, मान लें अगर ये हमारा सर्किट कुछ यूं है, अब क्या होगा हमारा फाइनल रिलायबिलिटी, यहाँ पे भी देखें इसकी रिलायबिलिटी R1 है, इसकी R2, इसकी R3, इस केस पे जो हमारी टोटल रिलायबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1 R = 1 - 1 - R1 1 - R2 1 - R3। तो सीरीज में जो होगा तो ये फॉर्मूलेशन निकाल लेंगे, मीन्स पहले तो 1 से माइनस करना है, फिर सभी रिलायबिलिटी को 1 से माइनस कर करके लिखना है, तो ये सीरीज अगर पैरेलल में होगा तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखें अगर इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जब हमने जो कंपोनेंट को सीरीज में लगाया तो होता क्या है, अगर इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट हमारा फेल हो गया तो हमारा पूरा लाइन फेल हो जाएगी, तो उस केस में क्या होता है हमारी टोटल रिलायबिलिटी कम आएगी ही, लेकिन यहाँ पे देखें ये तीनों पैरेलल में हैं, तो अगर इनमें से कोई फेल होता है तो ये फेल हुआ फिर भी हमारा काम नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, इसलिए हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो टोटल रिलायबिलिटी आर होती है वो पैरेलल केस में किसी रिलायबिलिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आपको काम आ सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। अब आपके पास एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों हो, देखिए कैसे, ये यहाँ से आप चलें, ये है फिर ये है देन ये है देन ये है देन ये है, बात करें अगर इसकी तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी रिलायबिलिटी है 0.8
0.7, 0.8, 0.5, 0.9. आपको हो सकता है कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपको रिलायबिलिटी टोटल निकालनी है। तो इनको अगर आप दिखाना है तो R1 R2 लिख लें, सही होगा, R1 R2 R3 R4 R5। हमको इसमें टोटल रिलायबिलिटी R निकालना है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखें, सबसे पहले हम कोई छोटा सा पार्ट उठा लेंगे। अब अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, पहले इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम इन दोनों को पैरेलल मान सकते हैं, नहीं, ये दोनों पैरेलल नहीं है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके पैरेलल होगा। तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, मीन्स R3 R4 निकालेंगे। तो ये R3 R4 क्या आ जाएगा हमारा, 0.8 इंटू 0.5, ये 0.4 आ जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। अब ये इनका रिजल्टेंट और ये पैरेलल में है, तो इनका रिजल्टेंट अब हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस R2 1 माइनस R3 R4। समझ गए आप इसको कैसे आया, ये एंड ये पैरेलल है, इनका रिजल्टेंट पैरेलल है। तो पैरेलल वाला फॉर्म लगा देंगे, तो 1 माइनस 1 पहला वाला माइनस 1 माइनस ये। तो अब हमारा इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस R2 कितना है, 0.7 इंटू 1 माइनस R3 R4 कितना है, अभी निकला 0.4। तो ये कितना जाएगा हमारा, 1 माइनस ये आएगा 0.3 इंटू ये आएगा 0.6। तो कितना जाएगा, 1 माइनस 0.18। तो टोटल आएगा कितना, 0.82 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये एंड ये सीरीज में है, तो टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मीन्स R1 इंटू ये जो चीज़ आया है इसको कुछ ही मान लें, x मान लें, तो x इंटू R5, तो टोटल हमारा आ जाएगा। तो ये 0.8 है, इस ये पूरा कितना है 0.82, ये कितना है 0.9। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके आप जो भी आएगा वही हमारा टोटल रिजल्टेंट होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तो पहले इनको सॉल्व करें, फिर इसको पैरेलल हो जाएगा तो पैरेलल सॉल्व करें, फिर सीरीज में, तो आपको कर लेना है। तो इसी के साथ हमारा इंडस्ट्रियल एंड होता है। इंडस्ट्रियल गेट तो पहले ही हो गया था, इंडस्ट्रियल का ES का सिलेबस भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू, आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई डाउट आता तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, बाय।